अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी अर्से बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी बिजी थे बीच में। और आज का जो व्लॉग ये है कि आज हमारा है शूटिंग डे। आज हमारा, हम सब ने ब्लैक एंड वाइट पहने हैं और शूट इस तरीके से कि हमारी सोसाइटी TNF, जिसका आज एक, मैं वैसे मेम्बर हूँ, खास मैंने आज तक काम नहीं किया उसमें, और हेड जो है हादिया है, वो साथ रहेगा, अभी हमारा शूट होगा। बाय बाय, जब तक चल रहा है हमारा जाती फोटो शूट। और ये अहमद एक बहुत ही बेकार फोटोग्राफर है। अच्छा। और मेरे सही आ रहा है। अच्छा, तो आज था हमारा टीम का शूट, ठीक है, लेकिन मेरे मेंबर्स है ना बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। उनको मैंने 10 दफा, मैं पंक्चुअल देखो टाइम पर आ रही हूं, सही अच्छी है पहली दफा पता नहीं कैसे, लेकिन उनको मैं 10 दफा बता चुकी थी कि टाइम पर आना, क्योंकि बाकी सबकी क्लासेस हैं तो कोई भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, होप के वो नेक्स्ट टाइम जो है वो, और उनमें सबसे सर फहरित अलिशा नज़ीर हैं जी। काफ़ी अच्छे से मैंने जो व्लॉग बनाया, नीचे तो सोचा कि यार ये छोटा सा एक बना लूँ मैं, क्योंकि चैनल पे काफ़ी अच्छे से कुछ भी नहीं आया है। तो अलीशा कैंपस जाऊँगी, वहाँ जो भी करेंगे साथ रहेगा। कैंपस आए तो आप लोगों को छोटा सा मेन कैंपस का टूर भी करा देती हूँ। फिलहाल यहाँ से आप सीधे आएंगे तो यहाँ से है हमारा विजिटर गेट, उससे आप सीधे आते आते ये खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे अभी हमारा शूट हुआ है। और यहाँ जो जो खड़ी है, जिससे मैं कहने वाली कि मेरी दोबारा से पिक्चर ले लो, ये नई कैंटीन है, हमने अभी तक यहाँ इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बैठने के बहुत रूल्स हैं कि आपने कुछ फजूल बात नहीं करनी, तमीज से बैठना, चीखना चिल्लाना नहीं है। और वो हमारा बनता है कि हम कभी भी यहाँ कहीं भी बैठ के सुकून से नहीं बैठ सकते, तो इस वजह से हम यहाँ कभी बैठे ही नहीं है। और ये पूरा सीधा रोड है, यहाँ पे आगे जाके कई डिपार्टमेंट्स हैं, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको मैं दिखाती जाऊंगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है और ये मेरी दोस्तें जा रही हैं। और ये जो आपको सामने व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है, ये अभी दिखेगी, वेट, हाँ वो ये जो आपको दिख रही है व्हाइट बिल्डिंग, ये है हमारे स्टूडेंट अफेयर्स। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म का मसला होता है वो यहाँ पर आता है। और सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे है एक बहुत ही अच्छी सी कैंटीन, वहाँ पे अच्छे अच्छे से जूसेस मिलते हैं, यहाँ अंदर कैंटीन है, यहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, बिरयानी वगैरह, पाकिस्तानी सारे फूड्स, और मजे की जगह है ये। ये रही SFC कैंटीन, मशहूर ज़माना NED की कैंटीन। आज रश इसलिए कम है क्योंकि अभी नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो शायद स्टूडेंट्स वगैरह आ नहीं रहे ज़्यादातर। और वो दूर खड़े अहमद और हादिया, वो भी हमें दिख रहे हैं। गर्मी में गनीमत है, ठीक है, इस जूस की अलग ही बात है, इस कदर गर्मी है और ये जूस आपको जब मिल जाए मज़ा ही आ जाता है। अर्बन डिपार्टमेंट, ये सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट है हमारे पूरी NED का। और सामने जो है वो सिविल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट थोड़ा बोरिंग सा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सिर्फ बॉयज होते हैं, बहुत कम गर्ल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होती हैं। कई इनके जो हैं क्लासेस में कोई एक आध गर्ल होती है। ये है हमारी यूनिवर्सिटी की प्रेम गली, जहाँ पे हमारा सिर्फ इसलिए आना होता है कि अगर हमें कोई असाइनमेंट बनानी हो जल्दी में, तो यहाँ आके बैठ के बना लेते हैं सुकून से, क्योंकि यहाँ पे साया अच्छा खासा होता है। और इसके अलावा हमारे जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा क्या काम प्रेम गलियों में, हमारा काम तो बस असाइनमेंट वगैरह करना ही है। यहाँ पे इल्यूमिनाटीज आ गए हैं, जो अपना कोई व्रत पढ़ रहे हैं या कोई मदरसा आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही है, ऐसी आवाजें आ रही हैं। वैसे डिपार्टमेंट कौन सा है? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये है वो क्लास जो इल्यूमिनाटीज से भरी पड़ी है। पूरे जमाना अब्दुल कलाम लाइब्रेरी है और मेरे ख्याल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। वैसे हम लाइब्रेरी का रुख कम ही करते हैं, लेकिन आज किसी काम से आना है। इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, अभी हमने लाइब्रेरी से जो भी काम करना था वो कर लिया, खाना वाना भी खा लिया, बस कर जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।